दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। और दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आजकल हर फोन के अंदर नॉन रिमूवेबल बैटरी क्यों आने लगी है, जानिए फायदे और नुकसान। दोस्तों आज से 5 या 6 साल पहले करीब सभी फोन के अंदर रिमूवेबल बैटरी आती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लगभग सभी फोन के अंदर नॉन रिमूवेबल बैटरी आती है। हम आज आपको इसके होने वाले नुकसान और फायदे दोनों बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन रिमूवेबल बैटरी आने का कारण और उसके फायदे। इसका सबसे पहला कारण, कुछ फर्जी कंपनियां नकली बैटरियों का उत्पादन करने लग गई थी। लोग सस्ती बैटरी लेने के चक्कर में नकली बैटरी ले लेते थे, जैसे कि आप लोगों ने भी नोकिया जैसे फ़ोन की बैटरी सस्ते में बहुत सी खरीदी होंगी। ऐसा होने के कारण जो ओरिजिनल ब्रांड है उसको नुकसान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग बैटरी बदलवाने के लिए केयर में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, बैटरी अंदर फिट करने के कारण वह हर जगह से सील हो जाता है। ऐसे में अगर कंपनी वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं भी देती तो भी नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले फ़ोन को आप हल्की बारिश के अंदर बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकते हैं। अनचाहे धूल के कण अंदर नहीं जाते, जिसके कारण फ़ोन के आंतरिक हिस्सों को नुकसान पहुँचने की बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तीसरी और सबसे मुख्य कारण, नॉन रिमूवेबल बैटरी लगाने से फ़ोन को डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाता है और एक स्लिम सेट तैयार होता है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसा करने के साथ ही साथ फ़ोन की खूबसूरती भी बढ़ती है। चौथा, यूज़र इधर उधर से बैटरी किसी भी फ़ोन की निकाल कर लगा लेता था और ऐसे में बैटरी फूलने के चांसेस ज़्यादा रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नॉन रिमूवेबल बैटरी की लाइफ लंबी होती है। नॉन रिमूवेबल बैटरी के नुकसान, पहला, यदि फ़ोन पानी में गिर गया ऐसे में उसको सुखाना मुश्किल और लगभग फ़ोन के भीतर नुकसान पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, यदि फ़ोन हैंग हो जाता है ऐसे में आप उसकी बैटरी निकालकर रिस्टार्ट नहीं कर सकते, आपको इंतज़ार ही करना पड़ता है। तीसरा, बैटरी बदलने का खर्च भी रिमूवेबल बैटरी से ज़्यादा आता है। चौथा, हम लोग खुद बैटरी नहीं चेंज कर सकते, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यदि खुद करते भी हैं तो नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पांचवा, इमरजेंसी में किसी दोस्त की फ़ोन की बैटरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो आपको पावर बैंक लगाना पड़ेगा या फिर आपको डायरेक्ट चार्जिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक ज्ञान दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।